बिलासपुर जिले में सेंट जेवियर्स स्कूल प्रबंधन द्वारा सीबीएसई से एफिलिएशन मिले बगैर चार स्कूल संचालित करने के मामले को लेकर एनएसयूआई ने मोर्चा खोल दिया है। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव रंजय सिंह का कहना है कि सेंट जेवियर्स प्रबंधन जबड़ापारा, सरकंडा, सिरगिट्टी, उसलापुर और कोटा में फर्जी हाई स्कूल चला रहा है। इन स्कूलों को सीबीएसई से अब तक मान्यता नहीं मिली है। इन स्कूलों को सिर्फ जिला शिक्षा विभाग से नर्सरी से 8वीं तक अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई करने की अनुमति मिली हुई है, जबकि यहां हाई स्कूल की कक्षाओं में स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जा रहा है। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव रंजीत सिंह के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने डीईओ कार्यालय के सामने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। डीईओ टीआर साहू मामले को टालने के लिए आश्वासन का झुंझुना थमाते रहे, लेकिन एनएसयूआई नेता नहीं माने। करीब 3 घंटे के प्रदर्शन के बाद अंततः डीईओ साहू झुके और उन्होंने चारों स्कूलों की सीबीएसई मान्यता की जांच करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। टीम गठित कर जांच का आदेश जारी करने संबंधित आदेश मिलने के बाद एनएसयूआई नेता व कार्यकर्ता शांत हुए। जहां उनको सीबीएसई से 2 सेंटर का उनको मान्यता है, पर वो 6 सेंटर संचालित कर रही है। उनकी शिकायत की हुई थी, बोर्डिंग के अंदर जांच कर इसमें कार्यवाही करने की बात कही गई थी, पर अभी तक उसमें किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है। हमारी दूसरी मांग, और वहाँ लाखों की संख्या में फीस वसूली जा रही है सर। अभी जबड़ापारा में ही एक संस्थान है, वहाँ 1200 बच्चे पढ़ाई वहाँ कर रहे हैं, तो उनके भविष्य का खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि उनको सीबीएसई द्वारा किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं है। कल के कल अगर उनकी नौकरी की बात आती है और किसी प्रकार की समस्या आती है, तो जिम्मेदार कौन रहेगा? उनको क्योंकि मान्यता तो है नहीं। हमारी दूसरी मांग ये थी सर कि रतनपुर में महामाया पब्लिक करके स्कूल है, वहाँ 2 साल में 443 बच्चे आईटी के तहत जो अध्ययनरत थे उन्होंने ड्रॉप आउट किया। सबसे पहले सर ये जांच का विषय है कि वहाँ 443 की संख्या में बच्चे आईटी के तहत भर्ती कैसे हुए, और भर्ती हुए तो 2 साल के अंदर अचानक से 443 बच्चे वहाँ से नाराज कैसे हो गए, ड्रॉप आउट क्यों ले लिए गए? ये जाँच का विषय हम चाहते हैं सर, इसमें जाँच हो, और हमें पूर्ण विश्वास है सर कि इसमें शासन के पैसे का दुरुपयोग किया गया है। नियम को ध्यान में न रख के ताक में रख करके कार्य किया गया है। हमारी तीसरी मांग ये है सर कि जब यहाँ मुख्यतः 2 संस्थान द्वारा मान्य